नमस्कार। दुनिया में अपने कथक डांस के लिए मशहूर रहे पंडित बिरजू महाराज का रविवार देर रात निधन हो गया। बिरजू महाराज अगले महीने 84 साल के होने वाले थे। उनके इस तरह से चले जाने से हर किसी को गहरा सदमा पहुंचा है। बिरजू महाराज के निधन की खबर आने के बाद से बॉलीवुड और तमाम राजनेता सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बिरजू महाराज के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, पंडित बिरजू जी महाराज भारत की कला और संस्कृति के प्रवर्तक थे। उन्होंने कथक नृत्य के लखनऊ घराने को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। उनके निधन से गहरा दुख हुआ। उनका निधन कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बता दें, पंडित बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी। बिरजू महाराज के निधन पर उनकी पोती रागनी महाराज ने बताया, पिछले एक महीने से उनका इलाज चल रहा था। बीती रात उन्होंने मेरे हाथों से खाना खाया था, मैंने कॉफी भी पिलाई थी। वो रात के खाने के बाद अंताक्षरी खेल रहे थे। जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, हम उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। बताते चले, बिरजू महाराज के कथक की दुनिया दीवानी है। उन्होंने कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे रेखा, माधुरी और दीपिका पादुकोण को कथक डांस सिखाया था, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया। भले ही वो अब हमारे बीच ना रहे हो, लेकिन वो हमेशा याद किए जाएंगे।